श्रीपूर्णानंदतीर्थस्फुरतमृतगवी विप्रुषाप्लावितानां नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मवाद गतानां क्वेशाबोधारा विघटित निखिलाकार संस्कार स्वच्छंदम बंधनीति प्रतिपद मधुना तामन अतसी कुसुमोपमेय कांतिर यमुना फूल कदंबमूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मंगलम। स्वामी जी के श्रीमुख से ज्यादा के तरह प्रभावित होता रहा है और हम सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसे अपने अपने जन में संचित करते करते रहे। फिर चिंता यही है कि जितना जरूरतता यही है सुंदर सुंदर हमारी बात और बढ़ती गई और ये सोचकर अब कुछ प्रकाश लग रहा है कि इस वर्ष का प्रवचन क्रम आज पूरा हो रहा है। भारतीय संस्कृत का पुनर्नवीकरण की दिशा में सोचते रहते कि प्रेरणा स्वामी जी के देशाभिमुख वस्तुओं से हमें मिलती रहेगी, इसका हमें विश्वास है। तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि वे अगले वर्ष भी अपनी अमृत वाणी से हमें प्रकाश करें। आप सबने वहां पधार कर सत्संग किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। प्रभु की कृपा हम सब पर बने रहे। कल का अंतिम प्रश्न था मैं कौन हूं, जिसको महाराज जी ने बड़े ही सुंदर एवं प्रभावशाली रूप से समझाया और यह बताया कि मैं वह हूं जिसमें निरूपण एक शक्ति विद्यमान है और सब कुछ करने का सामर्थ्य है और यहां तक कि इस मैं में स्वयं ईश्वर शक्ति का निवास है। इस मैं की शक्ति का कैसे अनुभव किया जाए यदि अपने जीवन क्रम पर विचार करें, सभी के जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इसको उपनिषदों में इस ढंग से समझाया है कि जब हम जागते होते हैं, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां का लेना देना, वहां के पाप पुण्य, वहां के पाप पुण्य का फल, जो कुछ जागृत में होता है उसकी गिनती रखी जाती है। एक दूसरी अवस्था अपने जीवन में आती है, उसको बोलते हैं प्रयोगशाला। जब हम लेबोरेटरी में जाके प्रयोग करते हैं, हम क्या क्या बना सकते हैं, स्वप्नावस्था में हम वहां धरती बनाते हैं, पानी बनाते हैं, वहां आग चलती है, सूर्य चंद्रमा आते हैं, वायु चलती है, ग्रह नक्षत्र तारे, स्वप्न में जितनी भी सृष्टि होती है वो हमारे मन की बनाई हुई होती है, उस समय बिल्कुल सच्ची लगती है। मिलना जुलना, रिश्तेदार नातेदार,
भोग राग सब स्वप्न में हमारे मन की रचना होती है। कितनी शक्ति है हमारे मन में, इसका हम स्वप्न में प्रयोग करके देखते हैं, प्रयोग होते देखते हैं। वही मन तो हमारा जागृत में भी रहता है, वे सब शक्तियां कहां चली जाती हैं? तो स्वप्न का नाम है प्रयोगशाला। त्रया अस्य अवस्था ऐसा करके बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन है। तीसरी अवस्था होती है गाढ़ सुषुप्ति। तत्र न कंचन स्वप्नम पश्यति, वहां कोई स्वप्न नहीं होता है। सबके उपसंहार की शक्ति हमारे मन में, सबके विध्वंस की उपसंहार की भी शक्ति है। ये मन की तीनों स्थितियां हमारे पाप पुण्य धर्म कर्तव्य और हमारी निर्माण शक्ति और हमारी संहार शक्ति हमारी ही शक्तियों को बताते हैं कि हमारे अंदर ये कितनी शक्ति है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है, आप ध्यान देकर देखें, जागृत अवस्था की वस्तुएं स्वप्न में बदल जाती हैं और स्वप्न की वस्तुएं जागृत में नहीं होती हैं। जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं, और सुषुप्ति में दोनों नहीं, और दोनों में सुषुप्ति नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जागृत में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में भी वही है। योहम सुखम स्वाप्सम, योहम स्वप्न मद्राक्षम, सैवाहमिदानी जागर में, जिस मैंने आराम से सोया, जिस मैंने स्वप्न देखा, वही मैं इस समय जाग रहा हूं। तो मैं कौन हूं, इसको ढूंढने के लिए जो जागने को देखता है, जागने में काम करता है, जो सपने को देखता है, बनाता है, जो सबको बिगाड़ करके जैसे बच्चे खेल खिलौना अपना मिटा दें और आराम से सो जाएं, उन तीनों अवस्थाओं में जो एक ही उभे कूले अनुसंचरत, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी यहां, जिसके बिना कोई अवस्था हो ही नहीं सकती, वो है अपने आत्मा का स्वरूप। हुआ ये कि हमने देह भर में जो मिट्टी है उसको तो मैं माना, जो खून है पानी है उसको मैं माना, जो गर्मी टेम्परेचर है उसको मैं माना, जो सांस चलती है उसको मैं माना, जो नाक में आंख में पेट में धमनियों में शिराओं में जो छिद्र हैं उनको मैं माना, परंतु पूरी धरती को, पूरे पानी को, पूरी गर्मी को, पूरी हवा को, पूरे आकाश को मैं नहीं माना। हम आकर के इस देह के घर घरौंदे में बैठ गए, देह को भी देखें तो कभी पूरी तरह से हम देह को नहीं देख पाते। खाने पीने को देखते हैं, करने धरने को देखते हैं, नातेदार रिश्तेदार को देखते हैं, लाड साहब के कितने कुत्ते थे ये भी हमको मालूम है, बकिंघम पैलेस में क्या क्या होता है वो हमको मालूम है, रसिया अमेरिका में क्या क्या होता है वो हमको मालूम है, परंतु इस नन्हे से देह में हमारा मैं इतना आबद्ध हो गया है, इतना फंस गया है, इसकी ओर कभी देखते ही नहीं।
चक्षुर जथैवा कृतय पुरस्कार, जिन दुनिया की चीजों को हम देखते हैं वे हमको नहीं देख पाते, आंख की पुतली सबको देखती है परंतु हम अपनी आंख की पुतली को नहीं देख पाते। हेरन हार हैरान रहिमन आप ही आप हैं, बिंदु में सिंधु समान तुम्हें कोई अचरज ना करे। हेरन हार हैरान रहिमन आप ही आप में, एक बूंद में समुद्र समाया हुआ है, आश्चर्य मत कीजिए। ये जो सबको देखने वाला है, जानने वाला है, जिसके बिना ईश्वर परमेश्वर की भी सिद्धि नहीं हो सकती, वही अपने को खो चुका है। हेरन हार हैरान रहिमन आप ही आप में, इस देह में आप कभी देखें, ये हड्डी मांस चाम का बना हुआ शरीर है, एक एक हड्डी के जो टुकड़े हैं वो शिव रूप है, शिव की मूर्ति है। एक एक जो मोड़ है शरीर में वो राम की मूर्ति है। जितने मोड़ होते हैं उनसे रेफ बनता है, अच्छा जितने कोण बनते हैं उनसे सब त्रिकोण बनता है। जैसे श्री यंत्र में या दूसरे यंत्रों में बहुत से त्रिकोण होते हैं, वैसे इस शरीर में बहुत से त्रिकोण हैं। तो ये शरीर जो यंत्रात्मक है, जो वर्णात्मक है, जो लिंगात्मक है, हड्डी मांस एक, अब इस हाथ को हाथ समझो, हड्डी मांस का है तो हम इसको हिलाते हैं, तो हिलाने वाली शक्ति क्या है, वो प्राण है। तो शरीर जब लकवा लग जाता है, प्राण शिथिल हो जाता है, तो हमारे समेटने से और फैलाने से हाथ नहीं फैलता, मन तो रहता है, मन होता है कि हम अपने हाथ को फैलावें और समेटें, लेकिन हाथ भी है मन भी है, शरीर फैलता और सिमटता क्यों नहीं है, तो प्राण शक्ति शिथिल हो गई है। तो ये जो हाथ है इसको कहते हैं अन्नमय कोष, और जो इसको हिलाने डुलाने वाली शक्ति है उसको कहते हैं प्राणमय कोष। वो कैसे काम करता है, हमारी इच्छा शक्ति से। जब हम कहते हैं फैलाओ तो फैलावे, तो समेटो तो समेटे, और ये इच्छाएं जो है ये होती हैं अनेक। तो जिस काम को हम अच्छा समझते हैं उसकी इच्छा करते हैं पाने के लिए, और जिसको बुरा समझते हैं उसके लिए इच्छा करते हैं छोड़ने के लिए, परंतु इच्छाएं अनेक हुआ करते हैं। आज तक किसी ने अपनी इच्छाओं की गिनती करके पार नहीं पाया है। ये जो बाजार में चीजें टंगी रहती हैं, दुकानों में शोरूम बनाए जाते हैं, वो सब क्या है, वो हमारी मांग है, वो हमारी इच्छा है। इतनी ख्वाहिशों को, तमन्नाओं को, इच्छाओं को हम अपने भीतर भर करके बैठे हुए हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन इनमें हमारा जो अहम है वो एक है। तो हड्डी मांस चाम का शरीर अलग है, इसको हिलाने डुलाने की क्रिया अलग है, इसको शास्त्र की भाषा में अन्नमय प्राणमय, फिर इच्छाएं अलग है, अलग है मनोमय, इसके भीतर भी बुद्धि है, और बुद्धि के भीतर एक छोटा अहम है जो गाढ़ सुषुप्ति में सो जाता है, और एक वो अहम है जो लंबाई चौड़ाई की कल्पना को जानता है, देश को जानता है, जो पहले और पीछे के क्रम को जानता है, काल को जानता है, जो अलग अलग वस्तुओं को जानता है, द्रव्य को जानता है,
जो देश काल द्रव्य और इनकी कल्पनाओं से भरा हुआ अंतकरण है, उस अंतकरण का जो साक्षी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मापी नहीं जा सकती, लंबाई चौड़ाई तो उसकी कल्पना में है, दृश्य है, जिसकी उम्र नापी नहीं जा सकती, वो तो काल की कल्पना में है, दृश्य है, जिसका वजन कभी तौला नहीं जा सकता क्योंकि वो तो जड़ पदार्थों में होता है, चेतन में नहीं, जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं, बिंदु में लंबाई चौड़ाई नहीं, परंतु उसी से बनती है रेखाएं और उसी से हो जाती है आकृति। निराकार ध्वनि से एक कल्पित बिंदु बनता है और उससे बन जाती हैं आकृतियां, ग ख ग अक्षर पंचकोण बना दिया बिंदु को तो अ बन गया, और बिंदु में से एक लकीर नीचे खींच ली तो एक हो गया, बीच में लकीर को कर दी तो दो हो गया, दोनों ओर लकीरें हो गई तो तीन हो गया। इस तरह से उस बिंदु से जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है सारे स्वर वर्ण बन जाते हैं, सारी रेखाएं बन जाती हैं, रेखाओं से आकृति बन जाती है, और हम बिना सोचे विचारे इस कल्पित आकृति को अपना मैं मान बैठते हैं। तो वर्ण भी कल्पित होते हैं, आकृतियां भी कल्पित होती हैं, लंबाई चौड़ाई के बिना स्थान रखना रखने वाला बिंदु भी कल्पित होता है, और कल्पनाओं के मूल में एक स्फोट होता है नाद। परंतु जो चेतन इन सबको प्रकाशित कर रहा है, जिसके सामने राम कृष्ण शिव आके बोलते हैं वर मांगो नारायण, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है वो परमेश्वर, जिसके होने से सिद्ध होता है, उसका नाम होता है आत्मा, न ताम्यति, वो कभी थकता नहीं है। जैसे सूर्य चंद्रमा निरंतर चलते रहते हैं और प्रकाश और आह्लाद देते हैं और थकते नहीं हैं, इनका भी मूल कारण हमारा आत्मा सबको रोशनी दे रहा है, ईश्वर है वही मानता है, गुरु है वही मानता है, सृष्टि है वही मानता है, इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय हुई वही मानता है, जिसके बिना न कोई दृश्य हो सकता, न कोई मान्यता हो सकती, न कोई ईश्वर परमेश्वर हो सकता, वो अपना शुद्ध आत्मा शुद्ध मैं साक्षात ब्रह्म है, और ये उसका खेल है, उसका तमाशा है, एक उसकी जादूगरी है कि जहां कुछ नहीं होता है वहां सब कुछ बना बना के देखता रहता है और मिटाता रहता है। इसलिए ये मैं एक अपार, एक अनंत, एक बेजोड़, जिसकी स्पर्धा करने वाली कोई वस्तु सृष्टि है, ऐसा है ये अपना मैं। इसमें कभी हीन बुद्धि नहीं करना, ये असमर्थ है, ये शक्तिहीन है, ये छोटा है, ये मर जाने वाला है, इस प्रकार की कल्पना अपने बारे में कभी करना ही नहीं चाहिए। अपनी हीनता और दीनता को कल्पना कल्पना में फेंक दो, वो केवल जल्पना है, और अपना स्वरूप ऐसा है परिपूर्ण कि तुम्हारे लिए असंभव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सारे असंभव तुम्हारे स्वरूप में झूठ मूठ कल्पित होते हैं और सारे संभव भी कल्पित होते हैं। ऐसा है तुम्हारा स्वरूप, मैं कौन हूं नहीं, मैं क्या हूं, उस मैटर की तलाश करो
कि वो वस्तु कौन सी है, स्वप्रकाश सर्वाधिष्ठान जो मैं हूं। तो लोग दूसरे को देखते हैं। एक श्लोक मैंने 50 बरस पहले पढ़ा था, उस समय अंग्रेजों का राज्य था, कि जो एमए पर्यंत उत्तीर्ण इतिहासे प्रतिष्ठित, एमए तक पढ़ लिया और इतिहास में उसको पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, उसको सब कुछ मालूम है, परंतु मैं कौन हूं ये मालूम नहीं है। तो तारों की गिनती करने में जिंदगी बीत जाएगी और गिनने वाले का पता ही नहीं चलेगा। आप देखो, जिसको ये पता नहीं है कि जिस दूरबीन से या खुर्दबीन से मैं किसी चीज को देख रहा हूं, वो किसी चीज को कितना गुना करके बताता है। हम वार्डन रोड में खड़े होकर दूरबीन लगाते हैं तो जुहू हमारे मकान के नीचे दिखता है। तो यदि कोई उसी को सच मान ले तो जुहू की और उसकी जो दूरी है उसका पता नहीं चलेगा। हम एक बहुत छोटे से कण को देखते हैं और वो पहाड़ की तरह मालूम पड़ता है। तो यदि हमको मालूम ना हो कि कितना गुना करके ये दिखाता है, तो हम एक कण को, एक चींटी को पहाड़ समझ सकते हैं, हाथी समझ सकते हैं। तो हमारे अंदर जो देखने की शक्ति है उसकी पहले परीक्षा कर लें। ये कितना बढ़ाकर दिखाती है, कितना घटाकर दिखाती है, कितना उल्टा करके दिखाती है, कहां नहीं को हां कर देती है, कहां हां को नहीं कर देती है। हमने अपना एक खून का कतरा अस्पताल में देखा, मालूम पड़ता था उस मशीन में कि समुद्र मर रहा है और उसमें बड़े बड़े जैसे मगर होते हैं, घड़ियाल होते हैं, वो सफेद और वो भूरे उछल कूद रहे हैं, परंतु वो तो एक कतरा खून का था। वो मशीन की महिमा थी जो उसको वैसा दिखा रहा था। ये हमारे पास जो देखने के औजार हैं, इनके बारे में हमको पता नहीं कि ये कैसे चीज को उलट पलट के दिखाते हैं, कैसे हाँ को नहीं दिखाते हैं, नहीं को हाँ दिखाते हैं, छोटे को बड़ा दिखाते हैं, बड़े को छोटा दिखाते हैं। और इनका पार पाना है तो मुश्किल, परंतु जो देखने वाला है वो बिल्कुल एक है। यदि आप उसको देह से अलग करके अपने मैं को समझे तो देखेंगे ईश्वर की सारी शक्ति आपकी शक्ति है। और आप दुनिया में जितने भी उत्थान पतन होते हैं, जितने भी परिवर्तन प्रवर्तन परिवर्धन संकोचन होते हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आपकी शक्तियां करती रहती हैं और आप पहचानते नहीं कि ये मेरी शक्ति है, समझते हैं कोई दूसरा कर रहा है। इसलिए आप वो उपादान हैं, आप वो मसाला हैं, आप वो मैटर हैं, जो साक्षात सबको अपने में और स्वयं निर्माण करके और स्वयं ही देखता और दिखाता है। ओम शांति।